हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नया दिन, एक नई जगह। कल हम गए थे मरीना बे, आज हम जा रहे हैं संतोषा और साथ में यूनिवर्सल स्टूडियोज, वो भी पास में ही है वहीं के। तो ये हॉस्टल से अभी भी निकले हैं, कैंपबेल है हॉस्टल का नाम जहाँ पे हम रुके हुए हैं, और लिटिल इंडिया जगह है ये। और यहाँ से अभी निकल रहे हैं, तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं सिंगापुर। आज का दिन काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ क्योंकि रात को हम पार्टियाँ कर रहे थे तो बहुत लेट सोए। अभी उठे थे मतलब हम 2-3 बजे और खाया पिया बस अभी निकले एक्सप्लोर करने। तो फर्स्ट हमारी डेस्टिनेशन है यूनिवर्सल स्टूडियो संतोषा के पास। ये मतलब यही एरिया एक्सप्लोर करेंगे आज संतोषा, और मे बी टाइम बचा तो मरीना बे जो कि कल की वीडियो में दिखाया था वहाँ आज भी चलेंगे, बट आज हम जाएंगे ऊपर, वहाँ नहीं जाएंगे। अभी हमने कैब बुक की है, तो जैसे अपने इंडिया में ओला और ऊबर चलती है, यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक ऐप है ग्रैब, तो वहीं से आप कैब बुक कर सकते हो। फूड डिलीवरी की ऐप भी है वही, और चल रहे अभी निकल रहा है। जैसे अभी कैब बुक किया और अभी निकल रहा है। तो छोड़ दिया अपने को यूनिवर्सल स्टूडियो और अभी यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। पहुँच गए हम यूनिवर्सल स्टूडियो। सो यूनिवर्सल स्टूडियो की टिकट ले ली है। जो टिकट प्राइस था वो $81 था और मैंने पे किया अपने मास्टर कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड से, HDFC का क्रेडिट कार्ड था। तो जस्ट बिकॉज आई पेड फ्रॉम मास्टर कार्ड, तो उन्होंने मेरे को $5 का मील वाउचर भी दिया है। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी मास्टर कार्ड की पहली बार, क्योंकि हर बार वीज़ा का फ़ायदा सुना था, मास्टर कार्ड का पहली बार फ़ायदा हुआ है मेरे को, डेट्स गुड। तब चलते हैं। ये $81 में सारी राइड्स इंक्लूड है, जितने भी राइड्स वगैरह जो भी है अंदर। तो ये मशीन लगी हुई है यहाँ पे जिससे हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है। सो आ गए हम यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर। ओ भाई क्या गजब जगह है, मतलब आते ही वाइब्स जो है वो बड़ी प्यारी आ रही है। सो ये लोकल रूम था, इस पर 4 घंटे का जो रेंट है वो $12 है, मतलब लाइक अराउंड 700 रुपये का समथिंग, 700 रुपये यहाँ का रेंट है। खूब महंगा भाई, खूब महंगा है। अब हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक GoPro है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है अभी मेरे पास। चलते हैं अब एक्सप्लोर करने। सबको लोकर में रख दिया क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी है, गीले होने का डर था। अब हम फ्री है। लकड़ी की ट्रेन है, अब देखते हैं एक्सपीरियंस। पानी भी आ गया अभी, और अब जा रहे हैं केव के अंदर, देखते हैं अंदर क्या होगा। पानी में चल रही है, कैसे चल रही है पता नहीं। तो ये थी पहली एक्टिविटी जो हमने की, और अब जा रहे हैं हम थोड़ी और एडवेंचर यार। यहाँ आने के लिए पूरा दिन चाहिए, हम सिर्फ 4 घंटे के लिए आए हैं, तो काफ़ी सारी एक्टिविटी हमारी मिस हो जाएगी, बट ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा पॉसिबल हो कर पाएँ। रोलर कोस्टर की लाइन में लगे अभी, रोलर कोस्टर के लिए जा रहे हैं, और कैमरा अलाउ करेंगे नहीं करेंगे ये नहीं पता। रोलर कोस्टर की जो राइड काफ़ी अच्छा था, तो छोटे वाले रोलर कोस्टर राइड कर ली, अब जा रहे हैं बड़े वाले रोलर कोस्टर की तरफ। ये है, काफ़ी ही डेंजरस दिख रहा है अभी तक में जितना दिखा है। ये वाला भी अच्छा था बट कैमरा अलाउ नहीं कर रहे यार, क्या कर सकते हैं। बोले तो हद गजब राइड, हद गजब, मतलब मजा आ गया। 3 राइड की बैक टू बैक, फर्स्ट ये बड़े वाला रोलर कोस्टर, उसके बाद ये रेड वाला थोड़ा सा छोटा रोलर कोस्टर था, थर्ड थी द मम्मी राइड। मतलब उसमें क्या था कि आर्टिफिशियल घोस्ट बनाए हुए थे और काफी ज्यादा डरावनी थी, मतलब वो ऐसा सीन था, एक जगह आती आने के बाद जस्ट गायब, मतलब जस्ट एकदम नीचे, फिर ऊपर, फिर रुक जाती, हमें लगा कि हाँ चल रुक गई होगी, खत्म होगी होगी, पूरे एकदम नीचे। ओ क्या गजब राइड थी। अब जा रहे हैं एक और राइड में, ये राइड है और इसमें GoPro अलाउड है, तो कैमरा लेके ही चलेंगे अपन। ब्रो हाउ आई विल राइड द कार, आई डोंट हैव लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस।
भाई एक अलग ही लेवल की राइड पे आए हैं अपन। चले गाड़ी चलाने, सीट बेल्ट भी लगा दिया है इन्होंने और ये गाड़ी चल रही है। मोटर वर्ल्ड क्लोज हो चुका है, 5:30 बजे बंद हो जाता है, हमें पता नहीं था। तो रह गया वोटर एक्टिविटीज नहीं हो पाएगी, बट जुरासिक पार्क अभी खुला है, जुरासिक पार्क में भी हम हैं और ये एक्सप्लोर करेंगे। नहा नहीं पाया, नहा नहीं पाया, ये शायद इनसे नहीं नहाया था, बोला वोटर वर्ल्ड में नहाऊंगा बेचारा। तो इस वाली राइड में भी कैमरा अलाउड नहीं है यार, पता नहीं कैमरा अलाउड क्यों नहीं करते। बट यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, लाइक पानी में से आती है राइड, काफ़ी प्यारी लगती है यार, काफ़ी प्यारा लगता है। आप आओ तो ये वाली राइड भी करना, अभी हम जा रहे हैं करने, हमने की नहीं है बट अभी से लग रहा है एक्सपीरियंस बहुत शानदार होगा। जनाब अभी एक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, इसके लिए भाई एक तो बॉडी चाहिए बड़ी स्ट्रेचेबल। ये देखो भाई, ये भाई इनको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से और ये ऊपर चढ़ रहा है, अपना लोंडा चढ़ रहा है, चढ़ जा चक दे फट्टे नप दे गिल्ली सवेरे जलंधर शाम दिल्ली। कुछ भी कहो, रॉक क्लाइंबिंग का जो मज़ा था वो अलग ही लेवल था। तो यहाँ पे कैसल सा बना हुआ है, अंदर क्या है कुछ नहीं पता। सो इसके अंदर थी 4D मूवी, तो 15 मिनट हमने सोचा बाहर जाके थोड़ी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर लेते हैं। जो फोटोज आप इंस्टाग्राम पे देख रहे थे, इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा फॉलो करो, नोमैडिक जोनी 1 MJ। बट जो एक कैसल है पीछे यार क्या शानदार है, एक बार देखो, लुक एट दिस।